सिर्फ एक मेंबर है यहाँ पे, ये जो अभी पूछ रहे उधर तक जाना है, क्यों जाना है? Friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can simply do that by clicking the subscribe button and pressing the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Instagram and Facebook. The handles are flashing right down here. By the way friends, इस vlog का opening भले ही ride करके हो रहा है, लेकिन ये vlog riding के बारे में नहीं है. This is a ट्रैक व्लॉग. जैसे आपने इंट्रो में देखा, कवनाई फोर्ट जो नाशिक के पास है वहाँ आज हम जाने वाले हैं. सुबह निकलने में थोड़ा लेट हो गया था एंड इट वाज रेनिंग आल्सो, सो आई डिसाइडेड के व्लॉग जाते जाते ही ओपन करेंगे. इफ़ यू ऑलरेडी फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक फ़ोटो पोस्ट किया था, करजत मुरबाड़ रोड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, और बहुत कुछ लिखा था मैंने उसके बारे में. बट ये वही रोड है जहाँ पे मैंने फ़ोटो लिया था, उससे सिर्फ 10 किलोमीटर आगे आया हूँ. एंड 10 किलोमीटर आगे आने के बाद रोड की ये हालत है. दैट्स हाउ अनप्रेडिक्टेबल आर PWDs होता रहता है. एंड इट्स रेनिंग क्वाइट बैडली टुडे. बहुत बारिश चालू है सुबह से, उसमें रास्ते बंद है. मुझे कम से कम 10-15 किलोमीटर का डिटूर हमें लेना पड़ा अभी, क्योंकि मुरबाड़ से शाहपुर वाले रूट पे 10 किलोमीटर जाने के बाद पता चला आगे एक ब्रिज बंद होकर के रखा हुआ है काम के लिए, और उसका कहीं पे भी साइन बोर्ड नहीं है, कॉशन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है. तो 10 किलोमीटर वापस आके अब ये डिटूर लिया है वासिंद जाने वाला, एंड नाउ वी हैव दिस 25 किलोमीटर्स ऑफ दिस स्मॉल रोड. तो अभी ऑप्शन तो है नहीं कुछ. चलो, वी हैव रीच्ड वासिंद. अभी जस्ट वासिंद का रेलवे स्टेशन क्रॉस किया और अभी रेलवे लाइन के नीचे से पास होना है. एंड लुक एट दिस, मतलब पूरा पानी भरा हुआ है, ऑलमोस्ट बाइक के साइलेंसर के लेवल तक पानी आ रहा है. एंड अभी इसमें से क्रॉस करना पड़ेगा. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर्स डोमिनार थोड़ा तकलीफ दे रही है. एक्चुअली देयर सम प्रॉब्लम विद द ECU. आई थिंक 3500 RPM पे एक्जैक्टली पिकअप छोड़ रही है. अभी वापस जाने के बाद आई हैव टू गेट इट चेक्ड व्हाट्स द इशू विद इट. अमेजिंग, मज़ा आ गया. कौन कहता है वाटर क्रॉसिंग करने के लिए लद्दाख जाना पड़ता है. ये तो अपने थाने के पास मिल रहा है वाटर क्रॉसिंग, वो भी एकदम गंदा वाला. इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock. बहुत टाइम गया वो ऑटो क्रॉसिंग्स की वजह से. जस्ट हैड ब्रेकफास्ट किया दलवी दरबार, मतलब ये नासिक हाईवे पे सभी राइडर्स का यही स्पॉट होता है ब्रेकफास्ट का. प्रियंका इज स्टिल कमिंग आउट वेटिंग फॉर हर, सो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा. ट्रैक के लिए जाना है और 11 बजे तक तो आधे रास्ते में है. सो इस राइड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कसारा घाट. हमेशा मज़ा आता है कसारा घाट में गाड़ी चलाने को, बारिश में सीनरी की वजह से, और बाकी टाइम पे आओ तो कॉर्नरिंग करने मिलता है बहुत बढ़िया सा. तो एनी सीज़न कसारा घाट इज़ फन. So guys, we have almost reached this Kavnai गाँव, और ये आखिरी 3-4 kilometers we have reached our team. टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा वहाँ पहुँचने के बाद, ट्रैक चालू होने से पहले. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये जनाब मिस्टर शिवम सिंह, सीधे रास्ते पे भी सीधे गाड़ी नहीं चला सकते, मस्ती हमेशा करनी होती है इनको. ये लो और एक ऑफ रोड.
सो कवनई गांव से कवनई फोर्ट की तरफ गांव में किसी ने बताया कि थोड़ा ऊपर जाके प्लेट्यू पे गाड़ी लगाओ तो आपको पूरे ट्रैक में गाड़ी दिखती रहेगी ऊपर से, एंड वी थॉट इट्स अ गुड ऑप्शन, बाइक्स नज़रों के सामने रहेंगी तो. सो ऊपर जाके अब गाड़ी लगाएंगे. सो वी हैव फाइनली रीच्ड हियर कवनई फोर्ट, जहाँ पे जाना है आज. नाशिक से थोड़ा पहले घोटी के पास कलसुबाई रेंज में ये फोर्ट है. बहुत से फोर्ट्स है इस एरिया में, कवनई, त्रिंगलवाड़ी, हरिहर, त्र्यंबक, और हाईवे के उस तरफ फिर रतनगढ़, अलंग, मदन, कुलंग, बहुत ट्रिक्स है. एनीवेज, तो आज भी अपने साथ टीम है पूरी. बहुत दिनों बाद प्रियंका फिर से ऑन कैमरा, बिजी लोग हैं आजकल. शिवम, अरुण, अक्षय पहली बार काउंटिंग किलोमीटर्स पे दिखने वाला है आज. एंड दिस इज द फोर्ट, पीछे ऊपर जो झंडा दिख रहा है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सी. मस्त क्लाउड्स है, होपफुली ज़्यादा बारिश नहीं आएगी तो व्लॉग अच्छा बन पाएगा. अच्छा खासा प्लेट्यू मिला है कावनई गांव के थोड़ा सा ऊपर आने के बाद, जहाँ पे बाइक्स लगा दी है. एंड लुक्स लाइक अ शॉर्ट ट्रिक, मे बी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स मैक्स. लेट्स सी, चालू करने के बाद ही पता चलता है. ढाकबेरी भी 4 घंटे में करने वाले थे. सब लोग निकल गए मुझे छोड़ के. दस मिनट में इतना तो ऊपर आ गया, वहाँ पे नीचे बाइक लगाई है. इट्स रेनिंग, सो माइक अंदर रख दिया है बैग में, और अभी तक तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, दैट्स द मेन पार्ट, क्योंकि बहुत इजी है. तू तो ट्रैक चालू करा आधी पन तक, तो सिर्फ एक मेंबर है यहाँ पे, ये जो अभी पूछ रहे उधर तक जाना है, क्यों जाना है. आखिरी चट्टान जिसके बारे में बोल रहे थे, वी ऑलमोस्ट रीचिंग देयर एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग. बहुत सही है, चल चल चल, आई शो यू. सो हियर यू गो, एक नंबर. बहुत मजा है. Last part was really amazing, isn't it? Yes, yes, absolutely, yes. Amazing, especially that stair one. Ladder, na? Ladder ka footage thanks to Arun. That's darwaja. Main door, mahadarwaja jisko bolte hain, chota sa mahadarwaja hai fort ka. Also, there's a cave also. If you want, you can show that. Oh yeah, I forgot that. There's a cave there. अच्छी खासी केव है, कम से कम 5-6 लोग आराम से सो सकते हैं उसके अंदर. And it's quite dry inside. Stretch. ये ऐसे स्टेप्स है सब, कम से कम 10 फुट का आदमी है तो ही आराम से चढ़ सकता है. सो वी आर नाउ रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट. अच्छी खासी हवा चल रही है तो बहुत सारा विंड नॉइज आने वाला है शूट में, प्लीज बेयर विद दैट. ठंडी वाजते, क्या बोला मैंने, मस्त ठंडी वाजते. अब लग रहा है बारिश वाला ट्रक, मस्त ठंडी लग रही है सबको. ऑफिशियली पहली बारी पर आया हूं मैं. नक्की काय बघायचं आहे ते सांग.
रोंगटे खड़े हो गए हैं, इतनी ठंडी है। मंदिर के सामने तालाब है एंड डेफिनेटली इट्स नॉट बिल्ट रिसेंटली, क्योंकि इसमें जो ब्रिक्स यूज़ किए हैं ये ऐसे ब्रिक्स बहुत पहले ज़माने में होते थे। दिस आर लाइक वेरी स्मॉल एंड फ्लैट ब्रिक्स, एंशियंट स्ट्रक्चर्स में बहुत बार देखे जाते हैं, स्पेशली इस नाशिक के एरिया में बहुत बार देखे हैं मैंने, त्र्यंबकेश्वर वगैरह उस एरिया में बहुत जगह पे ये ब्रिक्स दिखते हैं ऐसे। एक एक स्टेप गिन के उतरने का मतलब ये होता है। अरे मीता एक एक स्टेप और बसून उतरते। यू कॅन डू इट बस म्हटल्यावर डायरेक्ट बसली ती। वी आर ऑन द वे बॅक नाउ, ऑलमोस्ट उतर गए, उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इज द फोर्ट और एक्चुअली अलग रोड लिया है इस पर, मतलब दूसरा ट्रेल जो थोड़ा स्टीप है, आते वक्त दिखा था लेकिन बहुत स्टीप है करके लिया नहीं था, लेकिन उतरते वक्त सबने कहा ये ट्राई करेंगे, ये वाला रूट ट्राई करेंगे। बाइक सा देर सामने ही दिख रही है, ये सीधा रिज उतर के जाना है नीचे तक। अभी अभी बारिश रुकी है सो नीचे पहुंचते हैं, भूख बहुत लग रही है, अभी गाड़ी निकाल के कहीं चलेंगे सीधा मेरे ख्याल से किधर, वापस दलवी दरबार, कसारा घाट उतर के वापस दलवी दरबार, उधर ही लंच करने के लिए रुकना है तो वहीं पे मिलते हैं। मॉर्निंग 11 o'clock इसी प्लेस पे थे एंड नाउ इट्स इवनिंग 7 o'clock फिर इसी प्लेस पे दलवी दरबार, शाम के 7 बजे, अभी जस्ट हमारा लंच हुआ है, इतनी भूख लगी थी कि वो लंच का शूट वगैरह लेना सब कैंसिल। सो एवरीवन इज गेटिंग अप नाउ, अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा घर, तकरीबन 120 किलोमीटर है और यहाँ से तो 10:30 बजे तक पहुँचेंगे घर। इट्स बीन एन अमेजिंग ट्रिक, बहुत मज़ा आया। एनीवेज दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, मानसून का पहला व्लॉग, मानसून का पहला एडवेंचर था ये। पूरे मानसून में ऐसे एक एक प्लेसेस जो आपने शायद कभी देखे नहीं होंगे या फिर आपने ज़्यादा फेमस नहीं है करके छोड़ दिए होंगे, लेकिन वो वर्थ विजिटिंग है, ऐसे प्लेसेस हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो जहाँ पे क्राउड जाती है वो प्लेसेस मानसून में हम कवर नहीं करेंगे। तो हर व्लॉग में हर संडे 2 बजे आपको एक ऐसा प्लेस देखने मिलेगा जो आपने शायद पहले देखा नहीं होगा, और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे प्लेसेस है ऑफ बीट जो आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होंगे तो वो प्लेसेस हमें बताइए ज़रूर, सो दैट वी विल कवर दोज प्लेसेस और लोगों को और नए नए प्लेसेस की पता चले। विद दैट सेड इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे 2 PM, दैट इज़ अगले हफ्ते कोई नया प्लेस कोई नया एडवेंचर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।